साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। संसदीय समिति की बैठक तक पहुंची सियासी दलों की जंग, विपक्ष कारों मीटिंग में एजेंडा पेश कर रही बीजेपी। कर्नाटक में पुलिस ने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रहे दंपत्ति को रोका, वीडियो देख पूर्व सीएम बोले बहुत दुख हुआ। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की वर्तमान प्रणाली से मैं खुश नहीं हूं। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी, पांचवी तक के स्कूल बंद, सरकारी निजी दफ्तरों के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर। रेप के आरोपी मिर्ची बाबा का पकड़ाया गया, झूठ कहा था उस दिन भोपाल में नहीं था, वो मोबाइल लोकेशन यही मिली। पीएम मोदी के दौरे से पहले पन्नू की धमकी, डेरा मुखी को प्रधानमंत्री से न मिलने की नसीहत, बोला अनहोनी हुई तो खुद जिम्मेदार होंगे। कम नहीं हो रही एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें, जल्द ही संपत्ति जब्त करेगी ईडी। सिवान में डबल मर्डर, आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर प्रेमी प्रेमिका की हत्या, सन की भाई ऐसी रची सी साजिश। बिहार के महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन को जान से मारने की दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का बुलावा, तेजस्वी यादव बोले ये सब 2024 तक चलता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की मास्क पहनने की अपील, सीएम केजरीवाल पर भी साधा निशाना। नहीं रहे हिंदुस्तान के पहले वोटर, 106 वर्ष की उम्र में श्याम सरन नेगी का निधन, रात 2 बजे ली आखिरी सांस, पीएम ने जताया दुख। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 सीटों पर उम्मीदवार की लिस्ट जारी की, अर्जुन मोटावड़िया और अभी याग्रिक को टिकट। '92 मुंबई दंगा और 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लापता लोगों के परिवारों को सरकार दे मुआवजा। जयराम रमेश को कर्ण सिंह ने आड़े हाथों में लिया, बोले पिता पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे स्वीकार। अयोध्या में परिक्रमा मेले के बाद मंदिरों में उमड़ी भीड़, सरयू स्नान कर नागेश्वरनाथ महादेव का अभिषेक कर रहे श्रद्धालु। मैनपुरी रामपुर में उपचुनाव का ऐलान, 5 दिसंबर को लोकसभा और विधानसभा सीटों पर वोटिंग, 8 को आएगा रिजल्ट। फायर ब्रिगेड अधिकारी का वीडियो वायरल, मथुरा के होटल में लगी आग को फैलने में रोका। माफिया मुख्तार अंसारी का एमएलए बेटा अब्बास गिरफ्तार, 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने की कार्रवाई।
बुलंदशहर में युवती से गैंगरेप, नौकरी दिलाने की बात कहकर जयपुर ले गया, दो दिन तक होटल में बनाया बंधक। प्रयागराज में नकली प्लेटलेट चढ़ाने वाला अस्पताल का संचालक अरेस्ट, सीएमओ की जांच रिपोर्ट में लिखा प्लेटलेट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं थे। अमेठी में अधिकारी कर्मचारी लाखों के राजस्व का लगा रहे चूना, एक कनेक्शन पर दर्जनों आवासों में उपयोग की जा रही बिजली। संत कबीर नगर में एसएनसी यूजार में आग से झुलसा नवजात, डीएम ने गठित की जांच टीम, जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सीसीएसयू की छात्रा ने खोजा सिलन का तोड़, मेरठ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने तैयार किया एंटी मॉइस्चराइजर रीडिसप्लिन पाउडर। वाराणसी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, बोले गंगा में रेलवे की चार लाइन और उसके ऊपर सिक्स लेन हाईवे वाला पुल जल्द बनेगा। शाहजहांपुर में निजी अस्पताल सील, लोगों की शिकायत के पर डीएम ने की कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन फायर एनओसी हो रहा था संचालन। सोनभद्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी मैजिक, हादसे में एक युवक की मौत, चालक सहित तीन लोग घायल। आगरा में पंछी पेटा की दुकान में घुसी अनियंत्रित कार, कर्मचारी की मौके पर मौत, दुकान हुई तहस नहस। चित्रकूट में बीएसए ने प्रधानाध्यापक समेत दो को क्या निलंबित, अनुपस्थित मिले 54 शिक्षकों का एक ही दिन का वेतन काटा। प्रतिदिन 5 अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे सीएमओ, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और एसीएमओ को दिया निर्देश। नागपुर में डेंगू हुआ बेकाबू, डॉक्टर्स भी मान रहे हालात ठीक नहीं, हर 3 सैंपल में एक डेंगू पॉजिटिव। तीगरी गंगा मेले का शुभारंभ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यज्ञ में डाली आहुति, 8 नवंबर को होगा मुख्य स्नान। सुल्तानपुर में दादा पोते के ऊपर पलटा ट्रक, हादसे में पोते की मौत, दादा घायल, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। कानपुर में एनएसआई का जंगल बना, तेंदुए का घर, कई महीनों से वहां रहने को मिले सुराग, आए दिन कर रहे जानवरों का शिकार। हाथरस में शराबियों को महिला ने चप्पल से पीटा, बीच सड़क पर कर रहे थे झगड़ा, बीच बचाव कर छुड़ाने गई महिला, नहीं माने तो बरसाए चप्पल। झांसी में होमगार्ड के भरोसे यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक में 7 पुलिसकर्मी तैनात, जाम से पूरा शहर परेशान। गाजियाबाद में कार ने बाइक को 1 किलोमीटर घसीटा, बाइक से निकलती रही चिंगारी, लोग चिल्लाते रहे और ड्राइवर स्पीड से कार दौड़ाता रहा। आजमगढ़ के विवादित एडीओ पंचायत निलंबित, भाजपा नेता से गाली गलौज करने का आरोप, डिप्टी सीएम से की गई थी मामले की शिकायत। सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री, दो दिन शहर में रहकर निकाय चुनाव के लिए वोटरों की नब्ज टटोलेंगे, 116 दिन बाद आ रहे हैं। बांदा में गोली मारकर 2 लोगों की हत्या, देर रात महिला को घसीट कर ले जाने पर बवाल, विरोध पर 4 लोगों को मारी गोली।
अमेठी में अनियंत्रित कार बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गाजियाबाद में एनसीईआरटी की विजिलेंस टीम ने की छापेमारी, 3 करोड़ की कीमत नकली किताबें बरामद। गोंडा के कर्नलगंज नगर पालिका में पड़ा छापा, छापेमारी में नगर पालिका के लेखा अनुभाग कंप्यूटर कक्ष सहित कई विभागों को सील। हजरतगंज में गोखले मार्ग स्थित सिटी हाउस में लगी आग, सूचना पर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को सकुशल निकाला बाहर। गोंडा में कुलियों ने ई रिक्शा चालक को पीट पीट कर वीडियो मार डाला, सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल वीडियो में रोड वेज बस स्टॉप है। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार, देहरादून में मिले सबसे ज्यादा मामले। उत्तराखंड के रुड़की निवासी एक और आतंकी गिरफ्तार, दारुल उलूम कर रहा था पढ़ाई, हुए बड़े खुलासे। उत्तराखंड में करवट बदले का मौसम, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, गिरेगा तापमान। उत्तराखंड के इतिहास पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद अनिल बनूली को भेजा पत्र, का हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं लोक पर्व। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा हिमाचल में फिर बनेगी प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार। उत्तराखंड में पार्टी की गिरती लोकप्रियता व लगातार हार से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी असहज, बोले इसलिए हार रहे हैं। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना का हुआ शुभारंभ, 2025 तक 1.25 लाख महिलाएं होंगी मालामाल। उत्तराखंड में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर भारी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे। उत्तराखंड में बीएलटी के कमांड एंड कंट्रोल रूम की शुरुआत, अब 24 घंटे निगरानी में रहेंगे यात्री वाहन। उत्तराखंड में अगले साल से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, ऐसा करने वाला होगा देश का दूसरा राज्य। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी से सीएम धामी ने की भेंट, फाउंडेशन को लेकर की चर्चा। उत्तराखंड के हरिद्वार से अरेस्ट हुई थी आतंकी अली नूर की पत्नी, चार्जशीट तैयार करने में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में शादी में हुआ मामूली विवाद, मामा ने भांजी की गोली मारकर हत्या की। उत्तराखंड के रुड़की में छात्र को दिया इनाम का झांसा, खाते से उड़ाई 1.58 लाख रुपए की रकम। उत्तराखंड नियमों की उड़ी खिलियां, शासन को बताए बिना वन विभाग ने कर दी हाथियों की अदला बदली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर की भारत की तारीफ, भारतीयों में बहुत है टैलेंट, बहुत तरक्की करेगा देश।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का कहर, हजारों लोग बेघर, कृषि और व्यापार को भी पहुंचा नुकसान। रोमे पेंटिंग पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने फेंका मटर का सूप, कहा पृथ्वी से जरूरी नहीं पेंटिंग का संरक्षण। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण, संयुक्त राष्ट्र को मजाक बना रहे अमेरिकी दूत ने की चीन व रूस की आलोचना। नासा लॉन्च करने जा रहा 14 नवंबर को चंद्र मिशन, अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ा सबसे बड़ा रॉकेट। यूक्रेन के खेरसॉन में हालात बिगड़े, लगा कर्फ्यू, पुतिन ने लोगों से हटने को कहा, बड़ी कार्रवाई का अंदेशा। ट्रंप की नजर 2024 के चुनाव पर, बोले तैयार हो जाओ, 14 नवंबर को चुनाव लड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। व्हील चेयर पर पहुंचे इमरान, कहा हाँ मुझे चार गोलियां हमले की जानकारी पहले से थी, पीएम और गृह मंत्री ने रची साजिश। भारत के मिसाइल टेस्ट से पहले चीन ने हिंद महासागर में भेजा जासूसी जहाज, अहम जानकारियां, चोरी कर सकता है युआन वांग छह। स्पेस में बेलगाम हुआ चीनी रॉकेट, वैज्ञानिकों का अलर्ट, भारत और अमेरिका में क्रैश होने का खतरा, स्पेन ने एयरपोर्ट बंद कर दिए। ट्विटर ने 50% एम्प्लॉयज को निकाला मास्क, बोले रोजाना 33 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, छटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं। स्मार्टफोन की बिक्री में प्रीमियम सेगमेंट की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 12%, आईफोन टॉप पर, सैमसंग दूसरे स्थान पर खिसका। आरआईएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने केवी कॉमत, 5 साल तक इस पद पर काम करेंगे कॉमत, जल्द ही लिस्टेड होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्विटर इंडिया से भी छटनी शुरू, मार्केटिंग और सेल्स की पूरी टीम को निकाला गया, कंपनी ने ईमेल भेजना शुरू किया। वोडाफोन आइडिया दूसरी तिमाही के रिजल्ट आया सामने, दूसरी तिमाही वीआई को 7595 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एप्पल ने चीन को दिया झटका, भारत सरकार की विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की नीतियों का दिखने लगा है अब असर। विदेशी मुद्रा भंडार 6.561 अरब डॉलर बढ़कर 531 अरब डॉलर हुआ, स्वर्ण भंडार में भी हुआ इजाफा। महानगर गैस ने दिया जनता को महंगाई का झटका, सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़ाए गए। रॉयल एनफील्ड ने अक्टूबर में हासिल की बम्पर बिक्री, 86% का हुआ इजाफा। आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, भारत में आईफोन यूजर्स को अगले हफ्ते से मिलेगी 5G सर्विस। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने शाहिद अफरीदी को आरोपों का दिया जवाब, बोले मुझे नहीं लगता कि आईसीसी हमारी तरफदारी करती है। चोट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले राशिद खान, हेड कोच ने एटीट्यूड की जमकर तारीफ की।
सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद हटाने के मामले में नया मोड़, कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका। न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी बने डैनी मॉरिसन ने की विलियमसन की तारीफ, बोले तीन नंबर पर अच्छा खेलते हैं कप्तान। पाकिस्तानी खिलाड़ी शहनवाज दाहनी ने ट्वीट कर कोहली को किया बर्थडे विश, कहा कल तक इंतजार नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से हराया, राशिद खान की 23 बॉल में 48 रन की पारी, एफएफजी को जीत नहीं दिला पाई। सिंधरा अमीन ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया, आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 176 रन की पारी खेली। टीम सऊदी ने अपने नाम किया बॉलिंग रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने शाकिब को किया पीछे। धोनी ने आईपीएस पर लगाए कोर्ट के अवमानना का आरोप, मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में अदालत पहुंचे। वसीम अकरम का विराट कोहली पर बड़ा बयान, कहा उसे कप्तानी से हटा दिया लेकिन कोहली का जोश कम नहीं हुआ। वेस्ट बॉलर हाइपोफंक्शन डिसऑर्डर से जूझ रहे वरुण धवन, बताई वजह, का जुग जुग जियो फिल्म में भी थी बहुत ज्यादा मेहनत। राजकुमार राव ने स्ट्रगल वाले दिनों को किया याद, कहा लुक्स की वजह से सहना पड़ता था रिजेक्शन। अजय देवगन ने तब्बू को किया बर्थडे विश, रील वीडियो शेयर कर बोले सर जो तेरा चक्र आए। बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान के इवेंट पर बवाल, कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री से शिकायत की। ऑस्कर नॉमिनेटेड मशहूर लेखक निर्देशक डगलस मैक्रा का निधन, आखिरी समय में न्यूयॉर्क में कर रहे थे शो। धारावी बैंक का टीजर रिलीज हुआ, थलाइवन के रोल में दिखेंगे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय से होगा सामना। राजीव सेन के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे करण मेहरा, बोली मैं चारों से एक सिर्फ इवेंट में मिला था, अपनी इमेज किसी को भी खराब करने नहीं दूंगा। देवीना बनर्जी ने कराया मैटरनिटी शूट, वीडियो देख यूजर्स ने क्या ट्रोल, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हंसिका मोटवानी का वीडियो आया सामने, होने वाले पति की पहली शादी में जमकर किया था डांस। शाहरुख ने अपने फैंस को दी खुशखबरी, पठान का सेकंड पार्ट लाने का दिया संकेत, कहा प्रार्थना कीजिए पठान हिट हो जाए। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।